الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ونبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى जैसा उसका शुक्र होना चाहिए कौन अदा कर सकता है। अपनी टूटी फूटी जबानों से और बिगड़े हुए आदा से हम खुदा का शुक्र उसके फजल करम पर भरोसा करते हुए अदा करते हैं। कबूल करने वाला भी वही कबूल करता है और वही शुक्र अदा करने की तौफीक हमें अदा फरमाता है। कितनी खुशी की बात है कि मैं 294 मंदिर की जिक्र में अपने दोस्तों को खुश आमदेद कह रहा हूं। मेरे अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह अपने फजल करम से और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले जलीला से खुदा वो दिल लाए कि हम गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के झंडे के नीचे कयामत में जमा हूं और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दामन थाम कर जन्नत में हम जाएं और वहां भी इसी तरह बैठकर प्यारे नबी का जिक्र करें, प्यारे नबी की नात पढ़ें। वो दिन तो अल्लाह के फजल करम ही से मिल सकता है और उसी से हमें उम्मीद है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये दिन जो अब आप आंखों से देख रहे हैं और ये जो समान इस वक्त आपकी आंखों के सामने, क्या आप समझते हैं कि ये उस जन्नत का एक थोड़ा सा नमूना नहीं है जो हम आज अपने हाथों से देख रहे हैं? ये देखिए, जन्नत जो है वो अनसीन है, गायब है, उसको किसी ने देखा। हदीस कहती है जन्नत उसका नाम है कि जिसको किसी आंख ने देखा नहीं, किसी काम ने उसको सुना नहीं और किसी दिन पर उसका एहसास नहीं हुआ कि जन्नत क्या है। लेकिन ये याद रखिए कि ये दुनिया जन्नत का एक नमूना है, इसका कि दुनिया में सुबह होती है, शाम होती है, इसी तरह जन्नत में भी सुबह होगी, शाम होगी। यहां के जो मेवा जात हैं, फ्रूट्स हैं, जन्नत में भी फ्रूट्स होंगे। इसी का इंसान का जो अमल है, अगर इंसान ने काम करता है तो ये अमल असल में जन्नत की एक पिक्चर है, यानी एक ऐसी तस्वीर है कि जिसको देख कर ये मालूम किया जा सकता है कि इस शख्स के साथ आइंदा क्या होने वाला है।
अब आप खुद सोचें कि दूर दूर से आप लोग आए, इसको आप मामूली बात ना समझिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। और आप ये भी ना समझे कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, बल्कि खुदा का शुक्र अदा करिए और कोशिश कीजिए कि आपकी रिवाजत, आपका ये कस्टम, आपका ये तरीका, आपका ये खलूस, आपकी ये मोहब्बत, आपका ये जौक, आपका ये शौक कायम रहे और हर कदम जो उठे वो आगे की तरफ हो, पीछे की तरफ ना हो। अर्थ ये कर रहा हूं कि हदीसों में आया है कि जन्नती लोग जन्नत में लाइन के साथ बैठेंगे, मिंबरों पर बैठेंगे, बड़े बड़े तकिए होंगे और फालूस और कालीन और जाने क्या क्या होगा, अल्लाह उसका रसूल जाने वो बैठेंगे, आपस में बातें करेंगे। वो तो करने वाले भी मोहब्बत करने वाले हो, मुखलसीन हो, तो मेरे दोस्त वो मजलस और वो महफिल जन्नत की महफिल से कम नहीं। बड़ी बात है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जहां हो मेरे दोस्तों, सोच लो कि इससे बढ़कर के और क्या बात हो सकती है। खुदा का शुक्र है कि हम लोग, और हदीसों में कहा भी गया है कि जन्नत का गार्डन जिक्रुल्लाह, जहां ये हल्के जिक्र को कहा गया कि जन्नत का गार्डन जन्नत का बाग है, तो अब हल्के जिक्र, ये जो जिक्र का सर्किल हो, जो ये जिक्र की लाइन है, इसको जन्नत का बाग कहा गया। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है कि हम लोग अपनी लाइनों में बैठे हुए हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में जन्नत के बाग में बैठे हुए हैं, जन्नत के गार्डन में बैठे हुए हैं। खुदाया, इस जन्नती बाग, जन्नती गार्डन और हल्के जिक्र के सदक़े हमें उस गार्डन में पहुंचा दे कि जिसका नाम कुरान और हदीस में जन्नत कहा गया। मेरे दोस्तों और मेरे अजीजों, भाइयों, बहनों, ये 294 ईद का हल्का जिक्र है। इसका मतलब ये है कि ये मुबारक सोहबत और मुबारक मजलिस जो मेरे आपके दरमियान हो रही है अल्लाह के फज़ल से, ये चंद मजलिस और चंद पीर ऐसे गुजरे कि जिनमें हमें शमूलियत का मौका मिला, और गालिबन ये चौथा पीर है जिसमें मैं आपकी इस मजलिस में शामिल हो रहा हूँ। इसके बाद सिर्फ 3 पीर रह जाते हैं कि जिनमें मुझे ये फिर मौका मिलेगा कि मैं आपकी मजलिस में शामिल हो सकूं। उसके बाद जाहिर है कि ये दुनिया है, आदमी आता भी है और जाता भी है। मैं आया, खुदा का शुक्र है, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, गौसे पाक का करम है, आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गुलामी का सदका है कि जहाँ मेरी हाजिरी हुई आप जैसे दोस्तों को देखने का मौका मिला। मैं समझता हूँ कि दोस्तों को एक नज़र भी देख लिया जाए तो ये बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कई हफ्ते यहाँ रहने का मौका मिला और अब प्रोग्राम के मुताबिक जैसे मैं समझता हूँ कि 3 पीर इसको निकाल करके 3 पीर और हैं जिनमें मैं आपकी खिदमत में हाजिर रह सकूंगा, उसके बाद मैं आपको खुदा हाफिज करूंगा। बहरहाल इस वक्त बताना यह है कि मेरी आपकी जो ये मुलाकात है, इस मुलाकात को जारी रखना चाहिए। और ये मुलाकात आप ये ना समझिए कि मैं यहाँ हूँ तो आप मेरी मुलाकात को हर पीर को आएंगे और मेरे जाने के बाद आप नहीं आएंगे, तो ऐसी बात नहीं। याद रखो, आप अगर मेरे वजूद से अगर
मुलाकात आप करना चाहते हैं तो ये ठीक है कि मेरा वजूद हो सकता है कि आज यहाँ है, हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद कहीं और चला जाए, लेकिन याद रखिए कि मैं सिर्फ अपना वजूद नहीं रखता, मैं अपने वजूद के साथ कुछ और चीज़ें भी रखता हूँ। जो आदमी सिर्फ वजूद रखता है तो उसकी मुलाकात तो सिर्फ उसके वजूद और जिस्म से हो सकती है, लेकिन जो आदमी वजूद के साथ साथ कुछ और भी रखता हो तो उसकी मुलाकात आप बहुत चीज़ों से कर सकते हैं। मसलन अल्लाह के फजल करम से आप यहाँ सुन्नी हिज़्बी सोसाइटी रख रहे हैं, आप यहाँ हल्के जिक्र, मेरा ताल्लुक सुन्नी हिज़्बी सोसाइटी से, हल्के जिक्र से भी, ग्यारहवीं शरीफ से भी, बारहवीं शरीफ से भी, खाजे खाजगान के उर्से सराबा उनसे भी, यानी अगर आपको मुझसे मुलाकात करनी है तो आप मुझे मेरे आमाल में देखने की कोशिश की, जो कुछ मैंने काम किया है आप उन कामों में मुझे तलाश करेंगे तो आप वाकई में मुझसे सही तौर पर मुलाकात करेंगे। उसके लिए जरूरी है कि आप सुन्नी हिज़्बी सोसाइटी से अपना ताल्लुक कायम रखें। आप इसी तरह आइए, मैं नहीं कहता कि हर पीर को आइए, खुदा आपको तौफीक दे तो हर पीर को आइए, लेकिन हो सकता है कि बास पीर को आप ना आए, लेकिन कोशिश कीजिए आप आने की। याद रखो खुदा की राह में चंद पैसे अगर आप खर्च करेंगे तो ये पैसा इंशाअल्लाह ताला कयामत में बेहतरीन सूरत में आपके सामने नजर आएगा, और आप उस वक्त ये मालूम करेंगे और जान लेंगे कि दुनिया के ये चंद पैसे जो हमने खर्च किए हैं वो हमारे लिए कितना फायदा दे रहा है। मेरे दोस्तों, दीन के लिए तो आदमी जान दे देता है, दीन के लिए घर उठा देता है, दीन के लिए बाल बच्चों को कुर्बान कर देता है। अभी तो आपसे ये नहीं कहा गया कि आप बाल बच्चों को और जान और घर अल्लाह सलामत रखें, अभी तो सिर्फ ये है कि आने जाने में थोड़े से पैसे खर्च होते हैं, थोड़ा सा टाइम खर्च होता है। आप इसकी फिक्र न कीजिए और कोशिश कीजिए कि ये सिलसिला जारी रहे, क्योंकि इससे जो फायदा है हो सकता है कि आपकी नज़र में ना हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक समंदर है कि जो आपके साथ है। खुदा तौफीक दे कि आप उन मोतियों को कब्जा करें, उन मोतियों को हासिल करें और अपने दामन को उन मोतियों से आप जगमगा सकें। सुनिए गुफ्तगू मुख्तसर मैं कर रहा हूँ, और ये मजलिस मजलिस है की मजलिस है, इसलिए इस मजलिस में मेरा भी तरीका हो गया है कि हर मजलिस में मैं अंबाज में भी मैं हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला उन्होंने जो कुछ इरशाद फरमाया वो मैं अर्ज करता हूँ। तो ये अरबी में है लेकिन मैं उसका उर्दू तर्जुमा करूँगा। ये मजलिस हुजूर गौसे पाक ने 19 रजब को सुबह के वक्त 545 हिजरी में इरशाद फरमाया, 19 रजब सुबह का टाइम है और 545 हिजरी में इरशाद फरमाया। क्या फरमाया सुनिए, इरशाद फरमाया कि हमारे नाना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रवायत है, وقال رضي الله تعالى عنه بكرة في المدرسة 10 رجب سنة 45 أو 500 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله। حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ لوگ اس کی عزت کریں, دیکھیے کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اس کی عزت نہ ہو, ہر آدمی یہی چاہتا, اور آج دنیا میں لڑائی اسی کی, یہ جتنے فتنے اسی کی, تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہماری عزت, تمام دنیا میں لڑائی تو یہی جھگڑا اسی کا ہے کہ ساتھ وہ کہتا ہے اس کی عزت کیوں ہو گئی, وہ کہتا ہے اس کی کیوں ہو گئی, وہ کہتا ہے اس کی کیوں ہو گئی۔ اب یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ بھائی وہ سچی عزت کون سی ہوتی ہے اور جھوٹی عزت کون سی ہوتی ہے۔ میرے دوست, اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کتنے عزت والے ہوئے, لیکن آج ان کی قبر کا بھی پتہ نہیں کہ وہ کہاں لے جائیں, ہے پتہ کسی کو, جانتا بھی نہیں۔ لیکن اگر آپ کسی فقیر کو تلاش کرنا چاہیں گے تو وہ ہزاروں میں بھی اس کی خبر معلوم ہوگی کہ فقیر بیٹھا ہوا ہے۔
इज्जत, ये इज्जत जिसको हम कहते हैं वो और है। और हुजूर गौसे पाक जो फरमा रहे हैं, इरशाद फरमाया कि सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस आदमी को ये पसंद हो कि लोग उसकी इज्जत करें, तो उसको चाहिए कि वो अल्लाह का खौफ हासिल करे। देखिए क्या बात फरमाई, अल्लाह का डर, जिसके दिल में अल्लाह का डर नहीं, मेरे दोस्त उसकी इज्जत झूठी, उसका अदब झूठा बेकार। फरमाया कि वो अल्लाह का खौफ करे। एक बात, फज तकिल्लाह, उसको अल्लाह से डरना चाहिए, क्योंकि जो अल्लाह से डरेगा दुनिया उससे डरेगी, और जो अल्लाह से नहीं डरेगा कोई चीज उससे नहीं डरेगी। अल्लाह 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 से डरो, ये है इज्जत। ऐताश मुसलमानों के दिलों में ये बात पैदा हो कि इज्जत कैसे हासिल होगी, अल्लाह से डरना चाहिए। और सुनिए इरशाद फरमाया कि जिसको पसंद हो कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर, हेल्दी हो, ताकत रखता हो, जोरावर हो, तो फरमाया कि जिस आदमी, जो आदमी ये चाहता हो कि वो सबसे ज्यादा ताकत वाला हो, तो उसको चाहिए कि वो अल्लाह पर भरोसा। क्यों? कि एक आदमी, कोई आदमी दौलत पर भरोसा करता है, कोई आदमी नजेजी पर भरोसा करता है, कोई आदमी अपने ग्रुप पर भरोसा करता है, कोई आदमी अपनी पार्टी पर भरोसा करता है, कोई आदमी अपने बेटों पर, खेची पर, बिरादरी पर भरोसा करता है, लेकिन अगर एक आदमी खुदा पर भरोसा करे, खलास, अब उसका अल्लाह पर मुकाबला कौन कर सकता है? आप अपने केस को खुदा की बारगाह में पेश कर दीजिए, तू है, कुछ नहीं, बस खत्म। अब बताइए कि जो आदमी खुदा पर भरोसा कर रहा हो उसका मुकाबला कौन कर सकता है? अल्लाह। ये दूसरी बात, ये देखिए हुजूर गौसे पाक अपने नाना जान हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को अपनी मजलिस में 19 रजब 545 हिजरी में बगदाद शरीफ में बैठकर अपने मुरीदों को इरशाद फरमा रहे हैं। और आज खुदा के फजल व करम से गौसे आजम के इस कुत्ते को ये तौफीक अदा हुई है कि मैं उसी बात को आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। अल्लाह और सुनिए, फरमाया कि जिसको पसंद हो कि वो सबसे ज्यादा अमीर बने, तबंगर, मालदार, हर आदमी चाहता है कि उसको माल मिल जाए। अब ये देखिए कैसी बातें हैं, अल्लाह हो, लोग तलाश करते हैं मौलाना साहब हमें ताबीज दीजिए। मेरे दोस्तों ये ताबीज है, ये इसमें आदम है जो गौसे पाक की इरशाद फरमाया, फरमाया कि जो आदमी चाहता हो कि वो उसको बहुत ज्यादा दौलत हो, दौलत, दौलत का चाहने वाला, इमारत का चाहने वाला, अमीर जो बनना चाहे, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि उसको चाहिए कि वो अपने हाथ की चीजों से ज्यादा अल्लाह ताला की चीजों पर भरोसा करे। एक चीज वो है जो उसके हाथ में, उसका मकान, उसका रुपया, उसका पैसा, उसका माल, उसकी दौलत, और एक वो चीज है कि जो अल्लाह ताला, तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि अगर तुम दौलतमंद बनना चाहते हो तो इस पर भरोसा मत करोगे जो तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि जब तुम ये समझोगे कि मैं, मेरे पास 1 करोड़ रुपया है और मेरे पास ऐसा है वैसा है, तो तुम्हारे अंदर तकब्बुर पैदा होगा, गुरूर पैदा होगा, हिर्स पैदा होगा, हवस पैदा होगा, लालच पैदा होगा। लेकिन अगर तुम ये समझोगे कि जो कुछ हमारे पास है ये कुछ नहीं और जो कुछ अल्लाह के पास है वो सब कुछ है, तो जब तुम ये समझोगे तो अल्लाह तुम और क्या नुस्खा है, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ज्यादा देगा। तो फरमाया कि जो तुम्हारे पास है तुम उस पर भरोसा मत करो, और जो अल्लाह के पास है उस पर भरोसा करो, तो अल्लाह ताला तुमको और ज्यादा देगा, और उसका नतीजा यह होगा कि तुमसे ज्यादा कोई अमीर नहीं होगा, सबसे ज्यादा अमीर तुम ही होगे। अजीब बात है। इस मौके पर गौसे आदम रजी अल्लाह ताला अन्हों का एक फरमान और जाना, हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कि दुनिया के लोगों, तुम दुनिया के पीछे दौड़ रहे हो और दुनिया भागती चली जा रही है। फरमाया कि तुम दुनिया के पीछे दौड़ते हो, दुनिया भागती है, लेकिन अल्लाह के बंदे वो होते हैं कि दुनिया उनके पीछे दौड़ती है और वो भागते हैं। अल्लाह हो,
तुम दुनिया के पीछे दौड़ते हो, दुनिया से कहते हो कि ए दुनिया तू मुझे कुछ दे दे, और दुनिया अल्लाह वालों के पीछे भागती है और दुनिया कहती है ए अल्लाह वालों तुम कहो तो हम तुमको कुछ दे दे। दुनिया अल्लाह वालों को देना चाहती है और दुनिया के लोग दुनिया से मांगना चाहते हैं। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि दुनिया अल्लाह वालों के आगे सर झुकाए खड़ी है और वो ये चाहती है कि ये कुछ ले, लेकिन वो दुनिया से क्यों ले? अरे जब दुनिया का पैदा करने वाला जब उनका है तो वो दुनिया से क्यों ले? तो मालूम ये हुआ कि ये दुनिया मेरे दोस्त तो ऐसी है कि जब तुम इसके पीछे दौड़ोगे तो ये कुछ नहीं देगी, और जब तुम पीठ कर लोगे तो ये पीछे आएगी तुम्हारे। इसलिए हुजूर सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम इस पर भरोसा मत करो, अल्लाह और ज्यादा दे। और सुनिए फरमाया कि जो शख्स दुनिया और आखिरत में इज्जत चाहता है तो उसको चाहिए कि अल्लाह ताला का डर रखे, दुनिया में भी इज्जत होगी और आखिरत में भी इज्जत होगी। अल्लाह अल्लाह क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, उसने फरमाया कि बेशक खुदा के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वही है जो तुम में सबसे ज्यादा खुदा से डरने वाला है। अल्लाह अल्लाह, यही वजह है कि सरकार दुआलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम में सबसे ज्यादा जानने वाला हूं और मैं तुम में सबसे ज्यादा खुदा से डरने वाला हूं। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इन बातों को याद रखो। ये वो बातें हैं कि ये सही वजीफा, ये वो चीज है कि जिस पर अमल करने से तुम्हें खुदा मिलेगा। हदीसों में इरशाद फरमाया गया तो खुदा कैसे मिलेगा? इरशाद फरमाया तुम दुनिया को छोड़ दो तो खुदा मिल जाएगा, यानी हर उस चीज को छोड़ दिया जाए कि जो खुदा से दूर करने वाली चीज, नमाज, रोजा, हज, जो चीज खुदा से करीब करने वाली हो तुम उसको हासिल करो और जो चीज खुदा से दूर करने वाली हो उसको तुम छोड़ो। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, आज की इस मुबारक सुबह और मुबारक मजलिस में औसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद आपने सुना, इन बातों पर अमल कीजिए और अपने दिल को मजबूत कीजिए, अपने दिल को सीधा कीजिए, अपने दिल को अल्लाह ताला और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ लगाइए। बात आंकर दिल पर उठ जाती है, दिल अगर हमारा ठीक हो गया तो हम खुद भी ठीक हो जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हलका जिंदगी इस मुबारक मजलिस में जो लोग दूर दूर से आए हर कदम पर अल्लाह तबारक व तआला आपको बेशुमार अदब, बेशुमार नेकी अता आपका ये जज्बा और ये ज़ौक सलामत है। खुदा का शुक्र अदा करो कि मॉरिशस में एक इदारा तो ऐसा मौजूद है, एक जगह तो ऐसी मौजूद है जहां हम लोग जमात के साथ जौक और जौक आते हैं और जिक्र करते हैं। मेरे दोस्तों, ये वो निमत है कि अल्लाह ताला ने ऐ मुसलमानों तुम्हें दी है और तुम इस मामले में बड़े खुश हैं। हमारे इस शौक को और शौक को सलामत रख। आ जाओ अब हम लोग निहायत अदब और एहतराम के साथ जिक्र की इस मुबारक मजलिस का आगाज करते हैं। बंदे तेरी बारगाह में हाजिर हैं तेरा नाम लेने के, तुझे पुकारने के लिए। हमारी पुकार, हमारी सदाओं, हमारी निदाओं को कबूल फरमा। हम तेरे जान, तेरी मान, तेरा औलाद, तेरी मकान, तेरा दिल, इलाहा तेरी तौफीक के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। ये तेरी तौफीक है, तेरा फजल करम है कि तूने हमें दी और आज इस मुबारक मजलिस में हाजिर है। आइंदा आने वाले पीर और आने वाले दिनों में हमें ऐसी ही तौफीक अता फरमाना, हम इसी ज़ौक और शौक के साथ इन कामों को जारी रखें और हम शैतान के उस ताने से हम बच जाएं। आमीन।
شیطان یہ نہ کہے کہ ان کا جذبہ چند دنوں کے لیے تھا، بلکہ شیطان ہمارے آگے جھکے اور اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کا جذبہ چند دنوں کا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہمیشہ اس کو جاری رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔